नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे राजनेता से जिनका राजनीतिक सफर 4 दशक से भी ज्यादा का रहा है। वो हरदोई से 7 बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। जी सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि किसान परिवार में पैदा होने के बाद उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव से निकलकर राज्यसभा का सांसद बनना, सर ये सफर कैसा रहा आपका? बताया ना कि राजनीतिक सफर हमेशा एक सा नहीं रहता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और जो विपक्ष की राजनीति करता है उसमें ज़्यादा समय तो संघर्ष में ही जाता है, लेकिन वो तो संघर्ष से नए नए अनुभव भी होते हैं, लोगों को नज़दीक से उनकी कठिनाइयों को देखने का, समझने का और उनके निवारण के लिए कुछ करने का अवसर मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये लंबा सफ़र रहा लेकिन बड़ा अनुभव से भरा रहा, बहुत सारी चीज़ें देखने को सीखने को मिली और ग्रामीण जीवन से मेरी शुरुआत हुई, छोटे से गांव से निकलकर आया था तो ग्रामीण कठिनाइयों का एक अनुभव मुझे व्यवहारिक ज्ञान था कि क्या क्या ग्रामीण जीवन में आज के समय में कितनी कठिनाइयाँ हैं, गाँव में रहने वाले लोग किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो कभी अगर मौका मिले तो इनका हम प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो राजनीति में आने के बाद वही मेरी प्राथमिकता भी रही और मुझे उससे संतुष्टि भी मिली कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा था, जिस पूरे विधानसभा क्षेत्र में 1 किलोमीटर भी डामर सड़क नहीं थी और उस क्षेत्र में मैंने सेवा करते करते कोई गाँव ऐसा नहीं छूटा जो सड़क से जुड़ना गया हो। यह मेरे वहाँ की 30-35 साल की सेवाओं का मुझे उस क्षेत्र में कम से कम 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 संयुक्त क्या नाम जो है जो PSC बड़ी PSC, वहाँ पर राजकीय महाविद्यालय, उस जमाने में जब राजकीय महाविद्यालय प्रायः पर्वतीय क्षेत्र में बनते थे उस समय मैंने पिहानी जैसे मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहाँ नवोदय विद्यालय, वहाँ आवासीय विद्यालय, वहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, दो पिहानी में अलग, दूसरे ब्लॉक टोडरपुर में अलग। इस तरह से चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, 100% गाँव का विद्युतीकरण कराना, तो मुझे लगा कि मैंने जो अभाव महसूस किया था बचपन से ग्रामीण जीवन में और उसके समाधान के लिए मेरा निरंतर प्रयास रहा और मुझे उसमें सफलता भी मिली, चाहे सरकार में रहा या विपक्ष में रहा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे ये सम्मान दिया है, उसका प्रतिनिधि अपना बनाया है, तो उस प्रतिनिधित्व के प्रति मैं पूरी ईमानदारी बरतूं और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। तो ये मैं समझता हूं ये राजनीतिक जीवन की मेरी उपलब्धता थी भी, और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके कामों के प्रति जनता की संवेदना या जनता का भाव क्या है, तो जनता ने हमेशा बहुत अपना आशीर्वाद मुझे दिया और वो मैं समझता हूं मेरी एक पूंजी है। जी सर, ABBP से शुरुआत होकर आप JP आंदोलन से भी जुड़े, उसके बाद इमरजेंसी में आप 19 महीने जेल में भी रहे, इसके बारे में सर थोड़ा दर्शकों को बताइए कैसा सफर था ये राजनीतिक उस जीवन में और आज के जीवन में क्या अंतर है? देखिए, विद्यार्थी जीवन में हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और उस समय विद्यार्थियों के बीच काम करने वाला एक बड़ा संगठन था, 2 ही संगठन थे, समाजवादी युवजन सभा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के बीच काम करते थे। वहाँ से हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई और उसके बाद आपातकाल लगा, हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में बहुत सक्रिय भागीदार थे और मैं तो उन लोगों में था जो जयप्रकाश जी की संघर्ष समिति थी, उस समिति का भी मैं सदस्य था, इसलिए जब आपातकाल लगा तो मैं समझता हूँ सबसे पहले मेरी तलाश शुरू हुई और मैं जेल चला गया। 19 महीने तक जेल में रहा और जेल में तमाम सारे देश के मूर्धन्य नेताओं के साथ रहकर उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने और देखने का मौका मिला। एक निराशा भरा जीवन था, लगता था कि ये इमरजेंसी कभी ख़त्म नहीं होगी। हम लोग तो उस समय विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए थे, मैं समझता हूँ मैं उस समय में द्वितीय वर्ष का छात्र था, मेरी परीक्षा हो चुकी थी लेकिन वाइवा होना बाकी था, वो मैंने जेल से जा कर के दिया। तो ये सारी चीज़ें थी लेकिन उस सब में भी एक लग रहा था कि हम एक बड़े काज के लिए, कि देश में जो लोकतांत्रिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है उनको समाप्त किया गया है, उसके विरुद्ध हमारा ये आंदोलन है और जब तक लोकतांत्रिक अधिकार वापस नहीं होंगे हम लोग चाहे जितने दिन जेल में रहना पड़े। लेकिन एक बड़ा चुनौतीपूर्ण जीवन था क्योंकि उस समय ये नहीं लगता था कि इमरजेंसी कभी हटेगी और हम लोग जेल से बाहर निकलेंगे, लेकिन वो भी हुआ। इंदिरा जी का इतना बड़ा वर्चस्व था कि लगता था कि कभी इंदिरा जी हटेंगी नहीं गद्दी से, लेकिन जनता ने इंदिरा जी को भी हटाने का काम किया, सारा विपक्ष जो था, जो लोग जेलों में बंद थे, जेलों में ही बातचीत होती रही, मंत्रणा होती रही और जेल से निकलने के बाद सारे दल एक हुए। उस समय जो
जनसंघ थी, समाजवादी पार्टी थी, संगठन कांग्रेस थी, लोकदल था, ये चारों बड़ी पार्टियां इकट्ठा होकर के और जनता पार्टी का गठन हुआ। और जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है संसदीय इतिहास में कि जो पार्टी बाद में बनी, सरकार जनता पार्टी की पहले बन गई, यानी 1977 में पहले सरकार बन गई, उसके बाद जनता पार्टी का गठन हुआ, ये भी अपने में एक कीर्तिमान है। तो उस जनता पार्टी में हमको 77 में ही पहले लोकसभा का टिकट पार्टी मुझे दे रही थी, किसी कारण से वो कहीं चूक हुई, लेकिन उसके बाद विधानसभा में मुझे सबसे पहली सूची में ही मेरा नाम घोषित हुआ, मैं विधायक बन के आया। और शायद अगर आपको स्मरण होगा, हरदोई ज़िले में 9 विधानसभा सीटें होती थी, 9 में 2 ही जनता पार्टी जीती, पूरे प्रदेश में जनता पार्टी की लहर थी, लेकिन हरदोई ज़िले में अपवाद था कि 9 में 2 सीट जनता पार्टी जीती और 7 सीट विपक्ष जीता, लेकिन उन 2 में एक मैं और एक उस समय तत्कालीन राजस्व मंत्री माननीय गंगा भक्त सिंह, वो शारदा भक्त सिंह, उनके गंगा भक्त जी के बड़े भाई, वो चुनाव जीते थे और गंगा भक्त जी लोकसभा जीते थे। तो हम लोगों ने वहाँ पर भी लगा कि जैसे कि जनता पार्टी में भी हरदोई में कहीं, तो हम लोगों ने उसके बाद लगातार जो जनता में काम किया उसका नतीजा रहा कि जनता का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहा। जेल से निकलने के बाद सरकार बनी जनता पार्टी की, केंद्र में भी बनी, प्रदेश में भी बनी, प्रदेश सरकार में मुझे उस समय मुझे काम करने का मौका मिला, उच्च शिक्षा मंत्रालय मुझे दिया मुख्यमंत्री ने। मैंने कहा साहब मैं तो विद्यार्थी राजनीति से आया हूँ, आपने मुझे उच्च शिक्षा दी, मेरे लिए बड़ी कठिनाई होगी, तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र नेता मेरे मित्र हैं, तरह वो रोज आंदोलन करेंगे, मैं कैसे उनके साथ कड़ाई से पेश आऊँगा। उन्होंने कहा यही तो तुम्हारी परीक्षा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक तुम समस्याएं पैदा करते थे, अब समस्याओं का समाधान करना है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस समय कांग्रेस का इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से चुनाव जीत गई थी उपचुनाव, कांग्रेस में एक नया जोश, नई ऊर्जा पैदा हुई थी, संजय गांधी लगातार घूम घूम करके उत्तर प्रदेश में छात्र आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेरे शिक्षा मंत्री रहते केंद्र में इंदिरा गांधी वापस आ गई 80 में, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय बंद नहीं होने पाया मेरे शिक्षा मंत्रित्व काल में। कारण ये था कि जो भी प्रदेश का छात्र नेतृत्व तो था वो कहीं ना कहीं मेरा मित्र भी था, तो उनकी समस्याएं ग्रीवांसेस को हम सुनकर के बैठकर समाधान कर लेते थे। हम किसी राजनीतिक खड़यंत्र के कारण उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को मैंने उस समय तक एक दिन भी बंद नहीं होने दिया, जबकि पूरे देश में संजय गांधी का अगर आपको याद हो 1979-80 में उनका एक प्रभुत्व और एक उस तरह का चल पड़ा था, लेकिन उत्तर प्रदेश जो उनकी अपना राज्य था वहाँ हमने उसको, तो वो एक बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में रहे। जनता पार्टी 80 आते आते जनता पार्टी बिखर गई, जनता पार्टी बिखरने के बाद जो दल इकट्ठा हुए थे वो अलग अलग नामों पे फिर अलग हो गए, और उस समय भारतीय जनसंघ जो जनता पार्टी का घटक हुआ करती थी, विभाजन जब जनता पार्टी टूटी तो भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई, अन्य दलों ने भी अपने अलग अलग नामों से फिर से अपनी शुरुआत की, और वो कालखंड आप देखें 80 से लेकर लगभग 90 तक 10 वर्ष फिर कांग्रेस सत्ता में ही रही, और उस समय ऐसा लगा कि लगता है फिर कांग्रेस का वर्चस्व, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को अखंड बहुमत मिला और वो स्थितियाँ बनी, लेकिन फिर विपक्ष इकट्ठा हुआ 89 आते आते दल, और उसके बाद 89 में जनता दल का गठन हुआ, तमाम सारे दल मिलकर फिर जनता दल, हालांकि उस जनता दल के गठन में भारतीय जनता पार्टी दूर रही, गठन का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन मिलजुल करके चुनाव लोकसभा के लड़े गए और वहाँ पर सफलता मिली, कांग्रेस सत्ता से हटी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एक ये भी नहीं कहा 77 में जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई जी ने शपथ ली थी, और 89 में जनता दल के नेतृत्व से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शपथ ली, दोनों बार कांग्रेस को चित करने का काम किया गया, लेकिन वो जनता दल का प्रयोग भी लंबा नहीं चला, जनता दल भी 2 वर्ष के अंदर ही बिखर गया, और फिर वो पार्टियाँ सब अलग अलग हो गए, और जनता दल टूटने के बाद समाजवादी जनता पार्टी बन गई। उस समाजवादी जनता पार्टी में चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह हम लोग रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो समाजवादी जनता पार्टी भी बिखर गई, मुलायम सिंह और चंद्रशेखर जी अलग अलग हुए, तब से 92 में समाजवादी पार्टी बनी, और जब से समाजवादी पार्टी बनी माननीय मुलायम सिंह जी के साथ, समाजवादी पार्टी को बनाने से लेकर के और सरकार बनाने तक का जो संघर्ष था उसमें मैं उनका बराबर का भागीदार रहा लगातार। सर आपने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के गठन की बात करी, आप उसमें संस्थापक सदस्य भी रहे थे। जी सर, 1992 में संस्थापक सदस्य लेकर 2017 तक, सर इतने लंबे समय तक आप सपा के साथ रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे, आखिर में ऐसी क्या वजह आ गई कि उसको आपको छोड़कर आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा?
ये मोदी मैजिक था या कुछ और ही बात थी? नहीं, तो देखिए, मैंने तमाम सारे जीवन में उतार चढ़ाव आए और कभी किसी लालच या किसी आकर्षण से मैंने कभी विचारों का परिवर्तन नहीं किया। समाजवादी पार्टी में मैं जो था वो वैचारिक प्रतिबद्धता थी, समाजवादी पार्टी के दर्शन और चिंतन से प्रभावित मैं था। लेकिन समाजवादी धीरे धीरे समझो समय के साथ समाजवादी पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। वो सब जो लोहिया के विचारों को लेकर समता और समाजवाद की बात करने वाली समाजवादी पार्टी धीरे धीरे परिवारवाद में सिमट गई। सिद्धांत केवल बातों की चर्चा का विषय रह गया। मंच के भाषण में सिद्धांत की बात होती थी लेकिन वाकई में वास्तविकता में सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं था। उस समय लगा क्या इसी समाजवादी आंदोलन के समतामूलक समाज बनाने के लिए हम लोगों ने अपना सारा करियर लगाया? ये क्या यही समाज बनाना है? केवल परिवार के अंदर ही सारी सत्ता केंद्रित होनी है? परिवार के अलावा किसी निको नेतृत्व का अधिकार ही नहीं होगा? जहाँ लोहिया जी कहते थे जो संपत्ति और संतति का मोह जिसको न हो वही समाजवादी होगा, लेकिन यहाँ जो कुछ किया जा रहा है वो संतति के लिए और संपत्ति के लिए। यदि सत्ता की पूरी भागीदार उसकी संतति और परिवार ही है और संपत्ति इतनी ज़्यादा हो गई है कि समाजवादी कहना बड़ा मुश्किल। तो वो सारी चीज़ें तो एक कारण बनी, लेकिन मुख्य कारण था कि मैं 1992 में जनता जो समाजवादी पार्टी बनी और उस दिन से लेकर 2017 तक आपने ठीक कहा, इन 25 वर्षों में लगातार मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उनका राष्ट्रीय महामंत्री था। मैंने संगठन के रूप में जहाँ कहीं जो दायित्व तो सौंपा उन्होंने, और सरकारें भी जब जब बनी उस सरकार में भी उन्होंने मुझे हमेशा महत्वपूर्ण दायित्व तो दिया, उसका भी पूरी ईमानदारी से मैंने निर्वहन किया। 40-45 साल के उनके साथ में कभी ऐसा कोई अवसर नहीं आया होगा जब उनका मेरे प्रति अविश्वास हुआ हो या मेरे किसी काम से पार्टी को कहीं धक्का लगा हो, ये मेरा प्रयास रहा। लेकिन उस समय ऐसा लगा कि जब मुलायम सिंह का धीरे धीरे पराभव होने लगा और मुलायम सिंह धीरे धीरे जानबूझकर हाशिए पर ढकेले गए और हम लोगों पर ये चार्ज था कि हम मुलायम सिंह के ज़्यादा नज़दीकी लोगों में आए और शायद हमारा समाजवादी पार्टी का नया नेतृत्व महसूस करता था कि जिस तरह का चाटुकारिता चाहिए इससे संभव नहीं हो सकती क्योंकि ये तो मुलायम सिंह के सहयोगी हैं। तो ये कई कारण जो बने और उसको लेकर के मुझे लगा कि कदम कदम पर मुझे उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा। मुलायम सिंह को अध्यक्ष से हटा दिया गया, जिस दिन उन्हें हटाया गया अपने आप वो कार्य समिति हट गई, मैं भी महामंत्री से उसी दिन हट गया जब मुलायम सिंह हटाए। और फिर उसके बाद जो स्थितियाँ बनी, एक मेरे हमारे प्रति विशेष कर ऐसा दुर्भाव रहा कि हर चीज़ में उपेक्षा, तो मैंने लगा कि अब राजनीति स्वाभिमान और सम्मान बेच के नहीं की जा सकती। मैंने मुलायम सिंह जिसे कहा नेताजी अब ये संभव नहीं है कि बहुत दिन आपके साथ और सोचा था कि अंतिम सांस तक पार्टी और विचारधारा से अलग नहीं होंगे, लेकिन अब नहीं रहा जा सकता। अब दो ही विकल्प हैं, या तो मैं राजनीति छोड़ दूं, एकदम घर बैठ जाऊं, अन्यथा रास्ता बदल दूं। उनका जैसा तुम चिंतन करो। अब मुलायम सिंह यादव जी के आप बहुत करीबी माने जाते हैं, भावनात्मक रूप से भी आप काफी जुड़े हुए हैं। सर, मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी और आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, इसमें आप कितना अंतर देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह ने पार्टी को बनाया था संघर्षों से। उन्होंने जनता के सवालों पर संघर्ष किया, किसानों के, गांव की समस्याओं पर, और लगातार संघर्ष में कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किया। प्रदेश में उससे पहले समाजवादी पार्टी नाम का कोई ऐसा संगठन नहीं था। लोहिया जी के समय में जो समाजवादी पार्टी थी उस 67 के बाद ही वो धीरे धीरे बिखर गई थी, और उसके बाद एक 25-30 वर्षों के बाद दोबारा समाजवादी पार्टी के रूप में गठन करना और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में यहाँ तक पहुँचाना कि सरकार बन जाए, तो ये काम मुलायम सिंह ने अपनी मेहनत से किया था और एक टीम बनाई थी उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों में। आपको बताऊं कि जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में उन्होंने जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो उस समय सेल्फ इमोलेशन, बहुत सारे अगड़ी जात के लड़कों ने आत्मदाह करने का काम किया, बड़ा असंतोष पैदा हुआ। उस समय मुलायम सिंह ने कहा कि वाजपेयी जी कैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, ये घटनाएँ बढ़ती जा रही। हम लोगों ने कहा कि सवाल के ऊपर अगर आप अगुवाई करेंगे तो शायद प्रतिक्रिया ज़्यादा होगी, इस पर हम लोगों को बोलना चाहिए, हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और उस समय मंडल आयोग के पक्ष में पूरे प्रदेश में घूम घूम के हम लोगों ने जनसभाएं की, जनता को समझाने का काम किया और जनता के रोष को, अगड़ी जातियों के रोष को कम किया ताकि उत्तर प्रदेश में उसके बाद कोई बड़ी घटना नहीं घटी। ये काम इस तरह के हम लोग करते थे, समाज को जोड़ने का, समाज को बांधने का। और वो मुलायम सिंह चीज में की एक समझ भी रहती थी और संघर्ष से वो निकले थे, चीज़ों को जानते भी थे। ठीक है सर, 80 और 90 के दशक से सीधे हम आ जाते हैं आज। सर, अभी MLC स्नातक के चुनाव हुए जिसमें हरदोई की बात करूं, क्योंकि आप हरदोई से हैं सर, हरदोई में आपके प्रत्याशी को जीत मिली है। इसके पीछे कारण यह भी बताया जाता है कि आपने जो ताबड़तोड़ रैलियां करी, जो ताबड़तोड़ आपने बैठकें करी, उसके परिणाम स्वरूप ये सफलता आपको मिली।
सर, इसके पीछे क्या रणनीति रही थी आपकी? देखिए चौहान साहब, हमारी पूरी निष्ठा रहती है, मैं जहाँ रहता हूँ पूरे तन मन धन से रहता हूँ, मेरी दोहरी राजनीति नहीं। मैं जब तक समाजवादी पार्टी में था उसके अलावा मैंने दाहिने बाएं मुड़ के नहीं देखा, और मैं भाजपा में जब आया हूँ तो तन मन धन मेरा भाजपा के लिए समर्पित है, मेरा जो कुछ है वो पार्टी के लिए। मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए उनके लिए मैंने काम किया, और जनता का मैंने कहा ना कि आज भी मेरी चाहे निष्ठा ईमानदारी, उसके कारण जनता का विश्वास मेरे साथ जुड़ा है। जब मैंने आह्वान किया कि हम इनको इनके पक्ष में लोगों को खड़ा होना है, तो उस समय लोगों ने पार्टी की बैरियर को तोड़ करके गैर पार्टी के लोगों ने भी हमारे प्रत्याशियों को समर्थन किया, और हरदोई से दोनों प्रत्याशी जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के थे वो भी जीते, और जो शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी को उमेश द्विवेदी थे दोनों जीते। और जबकि हरदोई के लिए बड़ी टफ थी क्योंकि वहाँ जो दो बार से सांसद, तीन बार से जो वहाँ विधान परिषद सदस्य थे, हरदोई की ही थी और हरदोई में मजबूत प्रभाव उनका था, लेकिन जनता ने। आपने सर संसद में मानसून सत्र में आपने एक मुद्दा उठाया जोर जोर से सर कि फीस माफी को लेकर, इसकी कई जगह से मांग उठ रही थी कि फीस माफी को लेकर मुद्दा उठाया जाना चाहिए, आपने इस मुद्दे को उठाया जिसमें आपकी पूरी पूरी प्रशंसा भी हुई, सेंट्रल बार एसोसिएशन ने भी आपकी प्रशंसा की, ये आपके जहन में कब आया कि सर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है? देखिए हमको, हम लोग जनता से जुड़े हैं, लोगों को कहना जब भी लोग आते थे कि कोरोना काल में स्कूल बंद हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ का प्रबंधन जो है उन पर फीस जमा करने को, और ख़ास कर जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल थे उनकी लंबी लंबी फीसें थी, लोगों के रोज़गार बंद हो गए थे, छोटी मोटी नौकरियाँ छूट गई थी, तो वो अपने गार्जियन अपने बच्चों की फ़ीस अदा करना उनके लिए एक बड़ा मुश्किल का काम था। तो उनके कष्ट को जब हम सुना तो हमने कहा कि कम से कम इसके लिए, हालांकि शिक्षा जो है राज्य का विषय है, केंद्र से उसका सीधा वास्ता नहीं, लेकिन मैं यहाँ का सदस्य था, मुझे राज्यसभा का सत्र हुआ तो मुझे लगा कि मुझे कम से कम लोगों के दर्द की जो मैंने अनुभव किया है उसकी चर्चा तो यहाँ करनी चाहिए, तो मैंने इसलिए उस विषय को उठाया क्यों मैं उसको अनुभव कर रहा था लोगों के सामने कठिनाई को, और इसीलिए राज्यसभा में जब उठा तो लोगों ने बड़ा समर्थन किया, और मैं समझता हूँ मेरा एक दायित्व तो था सजग सांसद के नाते जनता की जनभावनाओं को मैं परिलक्षित करूँ। जी सर बिल्कुल, जब हम आप चुनावों पर आ ही गए हैं तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, ये बताइए कितना आश्वस्त हैं आप भाजपा को लेकर कि भाजपा वहाँ पर जीतने जा रही है? देखिए आश्वस्त का कारण यह है कि भाजपा ने जो काम किए हैं, चाहे मोदी जी की 6 वर्ष की उपलब्धियां हों, चाहे योगी जी के 4 वर्ष का कार्यकाल हो, बेदाग दोनों सरकारें रही, आज तक सरकार के किसी मंत्री पर, सरकार के किसी काम पर उंगली उठाने का अवसर किसी को नहीं मिला, और जिस तेजी के साथ विकास के काम हुए, 2022 तक उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को घर देना, आवास देना, प्रधानमंत्री आवास देना, हर घर में गैस का कनेक्शन पहुँचाना, इस कोरोना काल में लोगों को मुफ्त गैस का सिलेंडर देना, कोरोना काल में किसी गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया, इतना राशन देने का काम किया कि दोनों टाइम पूरे परिवार ने आराम से रोटी दाल चावल खाया, चाहे जो उसका न मजदूरी मिली हो या न मिली हो, लेकिन उसके भोजन की तंगी नहीं आने पाई, मजदूरों को भी मजदूरी नहीं मिली, नौकरियां जहां कर रहे थे वो छूट गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कसर नहीं रखी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति हो या जो वहाँ की और सारी बिजली की उपलब्धता हो, चाहे किसान को मिलने वाली सुविधाएं हो, इन सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश ने जो काम किया है जनता न्याय करती है, इसलिए हमको विश्वास है कि योगी जी की 4 वर्ष की सेवाएं और मोदी जी की 6 वर्ष की उपलब्धियां और उत्तर प्रदेश की निष्कलुष सरकार जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जनता पुनः उसको समर्थन देगी, क्योंकि जनता इन जातिवादी और इन परिवारवादी संगठनों से ऊब चुकी है। क्यों अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, मतलब वो घर में ही सब बांट लेता है, तो अब जनता दोबारा ऐसे लोगों को रेवड़ी बांटने का अवसर नहीं देगी जनता, क्योंकि इस पार्टी में कहीं ना परिवारवाद है, कोई जातिवाद नहीं, इस पार्टी में जो काम करेगा या बूथ अध्यक्ष एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जो आपने अभी बात की हरदोई से जो है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जीतने वाला एक मामूली से पार्टी का कार्यकर्ता, अभी राज्यसभा के जो सदस्य चुन करके आए हैं पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, लेकिन कभी सोचा भी नहीं होगा कि राज्यसभा जैसे प्लेटफार्म हमको मिलेगा, लेकिन पार्टी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है, जाति और परिवार के नाम पर लोगों को अवसर नहीं मिलता पार्टी की सेवा के आधार पर, तो ऐसी पार्टी को कौन रोक पाएगा? क्योंकि आपने सर परिवारवाद की बात कर दी है तो परिवारवाद से पूछना चाहूंगा, जिन पर आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, सर ऐसा मुमकिन है कि अखिलेश यादव के बाद जो पार्टी का आगे चल के, जो आने वाले सालों में, जो आगे चल के अगले दशक में
जो वहां का अध्यक्ष बनेगा समाजवादी पार्टी का, वो परिवार से बाहर का बन सकता है? संभव नहीं। कांग्रेस की बात करें तो मैं न तो कांग्रेस में संभव है, लेकिन समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है। नेताजी के बाद विरासत मिली है अखिलेश जी को, और ये विरासत अपने बेटे को देंगे। संभाल पा रहे हैं वो ढंग से? अब संभाले ना संभाले वो तो देख लिया, कांग्रेस का हर परिवार कभी संभाल पाता है? ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक ढंग से ही चलती हैं, तभी संभलती हैं। और जब ये परिवार की पूंजी बन जाती हैं और विरासत में इनका बंटवारा होता है, तब इनका यही असर होता है। अच्छा सर, ये बताइए, अखिलेश यादव और उनके जो चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव, 2017 में रार हो गई थी, कलह हुई थी, जिसके बाद वो लोग अलग हो गए। अभी खबरें आ रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर बात कर रहे हैं अखिलेश यादव से, दोनों लोगों की डायलॉग चल रहा है दोनों लोगों के बीच में। अगर ये लोग साथ आ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी में मजबूती आएगी, चैलेंज बन सकते हैं आपके लिए? एक तो पहली बात, मुझे लगता ही नहीं है कि दोनों साथ आएंगे, क्यों? इतनी ज़्यादा कटुता बढ़ गई है और इतना एक दूसरे के प्रति विद्वेष है, आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन आ भी जाएंगे तो कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। आप मुख्य विपक्ष किसको मानते हैं, समाजवादी पार्टी को मानते हैं या फिर मायावती जी को मानते हैं? देखिए, अभी ये कहना कभी बहुत पहले है, क्योंकि अभी तो कोई स्थिति या किसी पार्टी की नहीं है जो मुख्य विपक्षी की भूमिका अदा कर सके। कि जो स्थिति है कि चाहे उपचुनाव हुए हों, चाहे दूसरे चुनाव हुए हों, या जनता का जो मूड है, इनमें किसी ने भी जनता के लिए काम नहीं किया है। जब से सरकार गई है 5 वर्षों से, अखिलेश जी घर से नहीं निकले होंगे, मायावती जी घर से नहीं निकली होंगी, सिवाय ट्विटर पर बयान देने के अलावा केवल सोशल मीडिया से जनता के बीच जुड़ने का काम किया है। और अभी भी जनता बहुत समझदार है, तो इनको अभी तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई विकल्प होगा भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव नज़दीक आए, क्या होता है तब की बात अलग देखी जाएगी। सर, आपने ट्विटर का जिक्र किया, ये आंदोलन चल रहे हैं, तमाम तरह की चीजें होती रहती हैं देश में, नेता आजकल ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय दिखते हैं, अपनी कोई भी बयान होता है ट्विटर पर देते हैं, सड़कों पर नजर नहीं आते। अखिलेश यादव की बात करूं, मायावती जी की बात करूं, किसी भी विपक्ष की बात करूं, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर, पहले के परिप्रेक्ष्य में और आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, ट्विटर तो आपने घर में बैठे अपने कमरे में बैठ के आपने ट्वीट कर दिया, और सड़क पर उतरने के लिए आपको कार्यकर्ताओं, समर्पित कार्यकर्ता चाहिए। उस समय आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करना होगा, स्ट्रेंथ भी दिखानी होगी। स्ट्रेंथ आपके पास है नहीं, ट्विटर पर तो आपने लिखा और उसके बाद मीडिया ने उसको कवर कर दिया, तो आपकी बात सब तक। लेकिन सड़क पर उतरने के लिए आपको सड़क के लायक अपनी क्षमता को भी बनाना होगा, और बार बार सड़क पर उतरने के लिए कार्यकर्ता के विश्वास को भी पैदा करना होगा। और जब तक जन सहयोग नहीं होगा, तब तक सड़क पर उतरेंगे क्या करके? तो इसलिए सड़क पर उतरना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और ये पार्टियां बहुत आराम तलब हो गई हैं, अब ये वो संघर्ष की पार्टियां नहीं रहीं, चाहे सपा हो या बसपा। अब इनको आदमी से, गरीब आदमी तो नज़दीक नहीं फटक सकता, जो इनके बड़े बड़े नेता इनसे नहीं मिल पाते, बड़े बड़े इनके मंत्री इनसे भेंट नहीं कर पाते थे, विधायक नहीं भेंट कर पाते हैं, कई कई दिन इंतजार करते, तो आम आदमी इनसे कैसे मिल पाएगा? ये सब इतने जनता से दूर हो गए हैं, अब इनसे सड़क की राजनीति नहीं हो सकती, अब ये राजनीति ट्विटर की ही होगी और उससे जितना जो कुछ बन जाए। क्योंकि अब पर्टिकुलर नेता की बात की जा रही है सर, अगर हम सीधे सीएम चेहरे की बात करें चुनावों के परिप्रेक्ष्य में, सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव और मायावती, आप इनको कहां आंकते हैं, मायावती और अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने? मैं समझता हूँ सीएम का योगी जी का बेधाक व्यक्तित्व है, जो आदमी दिन के 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है, इसको कोई लोभ लालच नहीं, इसे न कोई परिवार का मोह है, जो केवल जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की 22-24 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। उसकी हर सोच, हर चिंतन, हर काम प्रदेश को दृष्टि में रखकर हो रहा है। यहाँ कानून का राज्य है, किसी के साथ जितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो भाजपा का कितनी बड़ी ओहदेदार हो, अगर उसने गलत काम किया है तो सजा उसके लिए भी वही है जो सामान्य व्यक्ति के लिए है। यहाँ ये नहीं होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, इसलिए उसे छूट दे दी जाए, और वही अपराध करने पर किसी दूसरे व्यक्ति को सजा दी जाए। तो ये समता का है पूरा, यहाँ समान सा व्यवहार है, इसलिए जनता देख रही है। और योगी जी के राज्य में किसी भी तरीके का कहीं ना भेदभाव है, ना अन्याय है, इसलिए जनता उन्हीं को बाल चुनेगी। सर, आपने राज्य में विधानसभा देखी, आप केंद्र में आए, आपने संसद भी देखी, राज्यसभा सांसद हैं भी आप, सर अनुभव कैसा है सर दोनों सरकारों का, दोनों के बीच? देखिए, दोनों का कहाँ, विधानसभा और इधर तो मैं पिछले 2 दशक से देख रहा हूँ कि विधानसभा की बैठकें ही नहीं होती। विधानसभा केवल औपचारिकता के लिए रहती, बजट का सत्र 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता और विधानसभा हो गई, और न वहाँ चर्चा होती। देखिए, लोकतंत्र में ये सदन चर्चा और संवाद से इनके समाधान हुआ करते थे, अब चर्चा ही नहीं होती,
विपक्ष भी रुचि नहीं रखता है, कई बार जब सत्र अगर लंबा चलाना हो तो विपक्ष सहयोग नहीं करता, तो वहाँ की कार्यवाही यहाँ कार्यवाही में बहुत अंतर है। और मुझे ऐसे लगता है कि कोई नगर पालिका हो और ये लोकसभा एक अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चाएँ होती हैं, अलग अलग दलों से बड़े वरिष्ठ लोग आते हैं जिनका एक लंबा सार्वजनिक अनुभव होता है, तो ये एक बड़ा प्लेटफार्म है। और मैं समझता हूँ ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि देश के सर्वोच्च जो आप सदन है उसमें बैठने का अवसर मिला। अच्छा, आपके बारे में जब जाना जब पढ़ा तो एक विशेष बात निकल कर सामने आई, इतना लंबा समय आपने राजनीति को दिया लेकिन आज तक कोई विवाद आपके साथ नहीं जुड़ा, ये आज के नेताओं को अगर आप बताना चाहें, क्योंकि आज के नेता क्या है, 2-3 साल की सक्रिय राजनीति में रहते हैं तो भी कई विवाद उनको घेर लेते हैं, आप बेदाग से रहे राजनीति में, कभी भी किसी विवादों से नहीं जुड़े, ये कैसे संभव है? देखिए, जब आदमी का लालच बहुत बढ़ जाता है वहीं से विवादों को, हमें नेताओं का क्या रहता है, दो भाइयों के झगड़े हैं, कोई बड़ी संपत्ति है, एक भाई को मिलाकर उस संपत्ति का बैनामा करा लिया और उसको दूसरे को दबा करके कब्जा कर लिया, जब ये सारे मोह पैदा होते तो विवाद अपने आप पैदा होते। मैं आपको बताऊं, मेरी 45 वर्ष की राजनीति, 1 बीघा कच्चा बीघा भी जमीन मैंने मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं हुई होगी। तो मैंने कभी सबसे, मैं आज भी लखनऊ में भी सरकारी आवास में रह रहा हूँ, यहाँ भी सरकारी आवास में हूँ, हरदोई में रेंट कंट्रोल का घर है, तो ये सब चीज़ों का मुझे कभी वो राजनीति विवाद किस चीज़ का होगा, रेंट कंट्रोल का किराया समय पे जमा कर देता हूँ, सरकारी आवास उसका देना ही देना है। जब इन सब चीज़ों का अगर मैं मोह पैदा करता कि मेरी कोठियाँ होती, बंगले होते, बड़ी गाड़ियाँ होती, तो इनके लिए अर्जन के लिए मुझे मेरे उद्योग हों, धंधे हों, कोई मैं किसी भी विद्यालय का, अभी तक विद्यालय अपना छोड़ दीजिए, किसी भी प्रबंध समिति में भी मैं नहीं हूँ लोगों, जबकि मैंने इतने विद्यालय खोले हैं, खोलने वाले को पूरा सहयोग करता हूँ, लेकिन मैंने ये संपत्तियाँ अपने लिए नहीं जोड़ी। विवाद का कारण ये भी सब होती है, जितना आप अपना व्यक्तिगत विस्तार करेंगे संपत्तियों का उतने ही विवाद बढ़ेंगे, और उसके लिए आपको गलत सही लोगों को संरक्षण देना होगा। सर, आपने 40 साल से ज़्यादा जो वर्ष हैं वो राजनीतिक जीवन जिया है, आज से 20-25 साल या 30 साल पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में सबसे बड़ा अंतर और सबसे बड़ा फर्क क्या दिखता है? सबसे बड़ा फर्क देखिए, उस समय बताया ना कि राजनीति में जो लोग आते थे सेवा भाव से आते थे, मैं जनरली लोगों को देखता था कि जो भी विधायक जीत के आए, क्योंकि उस समय इतना बड़ा मोह नहीं था, न इतनी सुविधाएं थी, 250 रुपये वेतन था विधायक का जब 77 में जीत गया, और जब विधानसभा चलती तब 25 रुपये अलाउंस था, और 25 रुपया खाने पीने में लखनऊ में लोगों खर्च हो जाता, तो 250 रुपये का वेतन कितना होता, बस शायद ही 425 विधायकों में 25-30 विधायकों के पास अपनी गाड़ी हो, नहीं बाकी 400 विधायक स्टेशन से उतर के रिक्शा पर आते थे, दारू सपा में रहते थे, विधानसभा चले जाते थे, लोगों के काम होते तो उनको लेकर के जिसके जिस विभाग के काम होते तो वहाँ जाकर के काम करते थे, और बाद में क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच रहते थे, जनता से सीधा उनका संवाद रहता था, जनता के सुख दुख में जुड़ते थे, किसकी क्या परेशानी उनको। आज विधायक जनता से बहुत दूर हो गया, विधायक हो या सांसद हो, चुनाव का ही रिश्ता रह गया, चुनाव के टाइम पर पार्टी की हवा हो, पार्टी के गुडविल हो, चुनाव जीत जाए, लेकिन वो व्यक्तिगत संवाद नहीं। हम लोगों का एक एक घर से पहचान थी, ये घर फला कार्यकर्ता के, फला व्यक्ति का है, और गांव के एक एक गलियारे के एक एक गली को घूम करके, और कम से कम मैं आपको बता दूं, प्रतिवर्ष मैं 15 दिन होली में घर घर होली मिलता था, और मैं एक सप्ताह, अपना मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, एक सप्ताह सारी ईद के दिनों, ईद में मैं हर घर में जा करके ईद में मिलता था, तो मेरा वो मतलब वो संपर्क इस तरीके अटैची जीप पे रख लेता था, और जब क्षेत्र में निकलता तो 7-8 दिन बाद लौटता था कि आज की रात यहाँ रुके, कल उसके पूर्व के परसों आओ, और वहाँ जाकर ज़्यादा काम हो जाता था, हरदोई लौट के आएँ या गांव चले जाएँ तो ज़्यादा समय रास्ते में जाता था, आज इस गाँव में रुक गए, सवेरे से उठना शुरू कर, तो वो जो व्यक्तिगत संवाद था, व्यक्तिगत राजनेता का और जनता से जो संबंध था विधायक का या सांसद का, वो अब नहीं है। अब राजनीति में वो भावनात्मक लगाव नहीं, जब हम आपको पहचानेंगे तो आपका कष्ट हमको महसूस होगा, जब हम आपको पहचानते ही नहीं, नेता अपने कार्यकर्ता को तो मुश्किल से जानता होगा, वोटर को तो जानते ही नहीं, लेकिन जब हमारा सीधा भ्रमण होगा, संपर्क होता था, प्रवास होता था, तो हम एक एक मतदाता से जुड़े थे, और एक एक मतदाता की चिंता हमारा कारण बनती थी, वो अधिकार समझता था कि मैं, अरे विधायक जी से मैं कह दूंगा मेरा काम ये होगा, मेरे लड़के का चाहे एडमिशन हो, चाहे मेरी पत्नी की बीमारी का इलाज का इंतजाम करना हो, चाहे हमारे यहाँ की जो दूसरी समस्या हो, कोई अन्याय नहीं, हम लगातार घूमते रहते,
वो एक जो सेवा भाव था अब राजनीति में उसकी शून्यता दिखाई पड़ रही है। और ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात हो आप यहाँ मिले तुरंत आपने डाला और लोगों ने देख लिया कि हमारे विधायक आज फला मंत्री से मिले या फला, वो यही सब रह गया है। अब जनता से वो जुड़ाव नहीं है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि सर आप केंद्र में भी हैं, सर ये बताइए अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, आज कांग्रेस को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उनकी कितनी शक्ति है जो बची है या अभी है? वो देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है, 100 वर्ष के अधिक का कार्यकाल उनका बीत चुका है और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ही एक ऐसा प्लेटफार्म था जिसमें देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और सभी दलों के अलग अलग विचारधाराओं के लोग कांग्रेस के नाम से ही जुड़े थे। और जैसा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद अब कांग्रेस का रोल समाप्त हो गया इसे भंग, लेकिन वो नहीं हुआ। अब कांग्रेस धीरे धीरे एक परिवार की संपत्ति बन गई और जो मैंने कहा कि जो परिवारवाद का घुन है वो धीरे धीरे खोखला कर देता है, वही हुआ। परिवारवाद की दीमक कांग्रेस में भी लग गई और उसको भी परिवार की जागीर मानने लगे, तो एक नए नए जो नेतृत्व उभर के आता है, जो नेतृत्व की क्षमता विकसित होती वो खत्म हो गई। लोगों को मानना था नेता तो वहाँ ही उसी परिवार का ही बनेगा, बाकी किसी को नेतृत्व का अधिकार नहीं। एक बहुत बड़ी पार्टी परिवारवाद की पार्टी। हाँ मुश्किल सर, सबसे बड़ा जो देश में समय चल रहा है उस पर आ जाते हैं। सर कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़कों पर हैं, किसान आंदोलित हैं, दिल्ली के तमाम दरवाजों पर किसान डटे हुए हैं, ठंड का मौसम चल रहा है, सरकार बात कर रही है, लगातार वार्ताओं का दौर भी चला है, बात कहाँ नहीं बन पा रही सर? देखिए सरकार ने बहुत शुद्ध मन से खुले मन से कहा कि हम हर बिंदु पर बात करने को तैयार हैं। 6 बार लगातार वार्ता हुई, घंटों वार्ता हुई है और उस वार्ता में सरकार ने खुल करके कहा कि आप बताएं कि आपको इन विधेयक के किस बिंदु पर आपत्ति है और हम उसको तैयार हैं उसको संशोधित करने के लिए, आप बताइए। कोई आज तक उस वार्ता में, आखिर आप वार्ता इसीलिए की जाती है हम अपना पक्ष रखेंगे दूसरा अपना पक्ष है उसके बीच कोई समाधान निकले, लेकिन केवल वार्ता इतनी ही कि आप तीनों कानून वापस ले लें, ये तो डिक्टेट नहीं हो सकता। 135 करोड़ आबादी का देश है, आप चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं कहेंगे नहीं बिल्कुल हम जैसे चलेंगे, आज ये ख़त्म कर दीजिए कल वो ख़त्म कर दीजिए ना। हाँ तो ये सारी चीज़ें इसमें आज भी सरकार के बहुत खुले मन से तैयार है कि आप बैठिए, जिन जिन बिंदुओं पर आपको कठिनाई लग रही है हम उनका समाधान करेंगे। कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री, सारे लोगों ने देश की जनता को आश्वस्त किया है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने नहीं जा रहे हैं, MSP समाप्त नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगा, बार बार इसकी वचनबद्धता दे रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि हम न तो मंडियां कभी ख़त्म करेंगे, मंडियों में नई नई मंडियों को और विकसित किया जा रहा है, मंडियों का उच्चीकरण किया जा रहा है, कहाँ मंडी समाप्त होने जा रही है, लेकिन ज़बरदस्ती आप इसको थोप रहे हो और कह रहे हो कि नहीं सरकार। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जानबूझ करके कुछ लोग, आज देश का 90% किसान इससे संतुष्ट है कि ये तीनों कानून छोटे आम किसान के हित में आए हैं, लेकिन चंद एक मठाधीश, और वो केवल न तो वो किसान हैं, बड़े जो व्यापारी हैं, तिजारत करते अड़ती हैं, वो सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं और तमाम ऐसे तत्व जो नहीं चाहते शांतिपूर्वक देश की व्यवस्था संचालित हो। और बहुत सारे राजनीतिक दल जो लगातार चुनाव में अपनी हार से निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, अब उनको लगता है कि एक एक रास्ता मिल गया है कि किसानों के कंधों पर बंदूक रख के सरकार को घेर लिया जाए, वो सारा षड्यंत्र मिलकर के ये सारी आंदोलन के पीछे है। और बाकी किसान आंदोलन के साथ नहीं है, सरकार किसानों के लिए हमेशा बहुत सद्भावनापूर्ण ढंग से उनकी हर बात को सुनने को तैयार है, उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है बैठने के लिए। और लोकतंत्र में सारी बात समाधान बातचीत से होता है, संवाद से होता है, और इसीलिए संवाद रखा गया है कि हम मिल बैठ करके तय करें, कोई हमें आपत्ति है तो हम उस बताएं और अगर आपको कुछ उसके लिए तो वो समाधान उसका निकल लेगा, लेकिन उसके लिए दोनों बैठना चाहिए और किसी जिद के ऊपर नहीं। कोई बैठकों में बात नहीं बन रही वो चीज़ समझ में है सर, इसमें विपक्ष की क्या भूमिका देखते हैं आप, विपक्ष किस तरीके से इन आंदोलन में काम कर रहा है? देखिए विपक्ष को तो आप देखें पूरा लेफ्ट फ्रंट जो है वो सारे लोग उनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, कभी किसानी करने नहीं गए हैं, जब जब जहाँ जिनकी सरकारें रहीं तब किसानों के हित में किसी ने नहीं कुछ किया, यहाँ तक कि जब इनकी जब नहीं सरकारें रहीं तो अपने एजेंडा में डाला, ये तीनों जो विधेयक आए हैं कांग्रेस के एजेंडा में तीनों विधेयक थे। और दूसरे दलों के चाहे आप NCP का देखें चाहे लेफ्ट पार्टियों को, सारे लोग अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन लोगों ने कहा था कि हम ये संशोधन लाएंगे, लेकिन नहीं मौका जनता ने दिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और इन संशोधनों को लाने का काम किया तब ये बुरे हो गए। तो ये तो केवल इसलिए है कि अब इनको दिखता है कि और कोई रास्ता नहीं है कि भाजपा
एक के बाद दूसरा चुनाव होता, हर चुनाव में जनता भाजपा का साथ दे रही, तो कैसे भाजपा से निपटा जाए? तो एक किसानों के कंधे पर बैठ करके उनके तलवार ये बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समाधान निकलना चाहिए, देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। लेफ्ट से और विपक्ष की पार्टियों ने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद सर। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक वाजपेयी, राज्यसभा सांसद हैं। एक 40 साल से ज्यादा जीवन जो है राजनीतिक सफर का रहा है, और अभी फिलहाल सांसद हैं, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं और 7 बार हरदोई से विधायक भी रहे। एक साफ सुथरी छवि के नेता डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।